हम सब लोग जाएंगे घूमने के फिर अंदर वापस जाते हैं। लगा होगा तो भाई लोडिंग भी नहीं, चोरी चोरी उठाना पड़ता है। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो मैं आपका भाई रिंकू व्लॉग्स, और जो भाई चैनल पे नया आए हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो भाई करते हैं हम अपना आज का व्लॉग स्टार्ट। तो रात को हम आए थे यहाँ पे पार्किंग में, तो आज देखेंगे भाई शाम को अगर बाबा ने बोला गाड़ी मंडी लाओ तो हम जाएंगे मंडी। अभी भाई जा रहा हूँ मैं दूध लाने, पहले दूध लाएंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद लग चुका है अपना खाना। तो अपने पास आए हैं भाई सारो भाई, ये भाई यहाँ बंगाल के हैं। तो भाई को बोला आज हमारे साथ खाना खाओ। अभी भाई हमने चिकन विकन बनाया, अभी खाना खाएंगे, उसके बाद खाना खाने के बाद भाई कहीं घूमने जाएंगे। देखते भाई हम भी देखेंगे भाई कलकत्ता, क्यों सारो भाई ठीक है ना, घूमने घूम के आएंगे बाहर एकदम घूमने जाएंगे। चलो भाई पहले खाना खाएंगे उसके बाद भाई फिर मिलते। तो भाई हम आ गए रिंकू भाई की गाड़ी में, ये देखिए खाना बनाया है रिंकू भाई ने। ये मुदस्सिर भाई है, ये वसीम भाई है, राजा वसीम भाई है, ये रिंकू भाई है, और मैं सूरज। ये देखिए खाना बनाया, चिकन बनाया है। हम सब लोग खाना खाने के बाद हम सब लोग जाएंगे घूमने, और फिर देखेंगे नेक्स्ट प्लानिंग क्या है। और आ गए जी हम कलकत्ता मार्केट में। अभी भाई यहाँ से हम थोड़ा घूमने जाएंगे, देखेंगे भाई मार्केट की हालत। ये देखो भाई मार्केट भाई, यहाँ पर ना मुझे एक चीज़ अच्छा लगा भाई, मस्जिदें यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी है। ये देखो भाई यहाँ से रेलवे का ट्रैक है, यहाँ से ट्रेन भी आती है कभी कभार, टाइमिंग रहती है बोलते हैं उसकी, टाइमिंग रहती है कभी आती है वो, ऐसे तो कोई भीड़ में नहीं आ सकती है। चलकुंडू और आ गए जी हम हावड़ा ब्रिज पे। तो भाई देख सकते हो हमने सोचा थोड़ा इधर घूमने जाएंगे, तो भाई अपने सूरज भाई साथ है, और साहिल भाई है, और शाहिद भाई भी साथ है। हमने सोचा भाई इधर थोड़ा घूम के आएंगे, क्योंकि भाई अपने बादशाह को ना आज खाली नहीं होना है, शायद कल भी नहीं परसों हो जाएगा, क्योंकि हमारे पहले गाड़ी है एक यहाँ पर, आज वो खाली हो जाएगी कल सुबह, तो कल शाम को हमारा बादशाह यहाँ आएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर नो एंट्री रहती है ना, एक दिन रात को गाड़ी लानी पड़ती है, दूसरी रात को वापस निकलना पड़ता है। चलो वापस निकल चुके हैं हम मंडी से, तो अभी हम जाएंगे भाई मैच देखने एडन गार्डन। अभी देखते हैं भाई अपनी गाड़ी आ रही है। भाई अभी हम वापस आ गए अंदर से, साहिल भाई ने बोला भूख लग गई है, भाई अभी हम खा रहे हैं यहाँ पे, भाई भूख ना बहुत ज़्यादा लगी है अंदर, अभी भाई खा के फिर अंदर वापस जाते हैं। निकल गए हम पार्किंग से बाहर मंडी की ओर चल रहे हैं, अभी हम सिटी में आ गए, नो एंट्री खुल गई। अभी भाई अपने बादशाह को लेके जा रहे हैं मंडी में, बाबा ने फ़ोन किया दो दिन बाद आज, और अभी अपने बादशाह को ना खाली करेंगे हम। और पहुंच गए जी हम इस चौक में, अभी यहाँ से हमें भाई
राइट जाना है, अगर राइट जाके थोड़ा आगे जाना है फिर बाएं दो और फिर लेफ्ट जाना है अभी मंडी के लिए। भाई अपना बादशाह सुबह सुबह खाली हो चुका है, मैं रात के 2 बजे ना रसद रुपाल खोल के सुबह वही गाड़ी खाली, बस कुछ पैटी रह गए यहाँ पे क्योंकि अभी शाम को निकलना है यहाँ पे, यहाँ से नो एंट्री है। अभी भाई बोला ये भी उतारेंगे, आप टेंशन मत लो, कोई नहीं भाई शाम तक भी उतारेंगे, कोई टेंशन नहीं है, नो एंट्री खुल जाएगी तो उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। अभी अपना माल वाल देखेंगे तो फिर यहाँ से निकल जाएंगे भाई। ये है जी कलकत्ता की मछुआ मंडी, देख सकते हो भाई मंडी में कितना रश है अभी। और ये चीज़ भाई चेक करो, ये है मस्जिद यहाँ पर जामिया। और अपने बादशाह में ना अब थोड़ा सा ही माल रह गया तो ये उतार के फिर शाम को 11 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि भाई माल गाड़ी खाली हो गई, उसके बाद भाई नो एंट्री खुल के ही ना यहाँ से गाड़ी निकालनी पड़ती है, फिर वापस पार्किंग में जाना पड़ता है। और अभी जाते हैं भाई ट्रांसपोर्ट वाले के ट्रांसपोर्ट के पास, तो देखते हैं भाई अगर माल होगा कहीं का तो हम माल भर के यहाँ से वापस निकल जाएंगे इंशाल्लाह। जा रहे हैं हम लोड करने कलकत्ता सिटी से, हम निकले अभी पहुंच गए हम भाई कुछ इस लोकेशन पे, अपने साथ है भाई आफाक भाई और यहाँ पर एक भाई मिला जो कि टाटा मोबाइल चला रहा है भाई, पीछे से ना हॉर्न हॉर्न कर रहा है, कम से कम 2-3 किलोमीटर से हमारे साथ चल रहा था, भाई बोल रहा था रुको रुको, अभी भाई भी आ रहा है हमारे साथ। अभी भाई हम यहाँ से निकल रहे हैं, चाय अपनी भाई ने चाय पिलाया तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, अपने साथ है आफाक भाई लोडिंग के लिए जा रहे हैं और भाई हम यहाँ से निकलेंगे तो आगे देखेंगे भाई कहीं रेस्ट करेंगे, उसके बाद भाई सुबह जाएंगे लोडिंग करने। और अपना ये आफाक भाई की गाड़ी और अपना बादशाह आगे लगाया, तो भाई निकलते हैं अभी यहाँ से तो मिलते हैं भाई दोबारा आपसे। ना भाई सारो भाई क्योंकि यहाँ बंगाल में रहता है, भाई मिला था, इसने बोला भाई गाड़ी रोको, पीछे देखा भाई इन्हें नाम गाड़ी पे रिंकू व्लॉग्स, तो भाई ने बोला गाड़ी रुको। ठीक है सारो भाई चले हम, हाँ चलो मिलते हैं दोबारा आएंगे। हाँ ये भाई की गाड़ी है, भाई की गाड़ी पिकअप, पिकअप बोलते हैं ना आप इसको, हम बोलते हैं टाटा मोबाइल पिकअप स्टेलर है, बड़ा बनर वाला। चलो चलते हैं। ये देखो भाई रात को हम चल रहे थे तो ये देखो भाई गाड़ी को क्या कर रहे हैं भाई, भाई ऐसी गलती ना करो कभी भाई, क्योंकि भाई घर में ना कोई वेट करता है हम लोगों का, इसलिए भाई बोल रहा हूँ आराम से गाड़ी चलाओ। फाइनली हम सुबह सुबह पहुंच गए यहाँ पे हल्दिया में, रात को टोल पे रुके थे भाई, वहाँ पर थोड़ा रेस्ट किया, अभी अपने बादशाह को ना यहाँ पे लगाया तो व्यापारी आया, ट्रांसपोर्ट वाला आया था, बोला भाई आपकी गाड़ी बाद में लोड हो जाएगी, पहला नंबर तो हमारा ये 6 गाड़ी है हम कश्मीर के, हम यहाँ पे आ गए हल्दिया में लोड करने भाई, इधर से ना पाउडर भरनी है, भाई की गाड़ी यहाँ पे है, अभी इसमें टायर पलटी कर रहे हैं और हवा हवा भी चेक कर रहे हैं। ये आफाक भाई की गाड़ी है, अभी हम देखेंगे, ये बोला 1 बजे के बाद लोड हो जाएगा, उसके बाद भाई निकल जाएंगे हम यहाँ से। और करते हैं हम भाई अपनी गाड़ी को स्टार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फाइनली भाई इनने बोला गाड़ी ले आओ, और भाई देखो क्या लगाना पड़ता है यहाँ पर भाई, इसके बगैर ना अंदर अलाउ नहीं करते हैं, अगर ये हेलमेट नहीं लगा होगा तो भाई लोडिंग भी नहीं करने देंगे। और ये देखो भाई को मुदस्सर भाई ने भी हेलमेट लगाई है भाई, दोनों ने हमने हेलमेट लगाई, अभी निकलते हैं भाई पहले लोडिंग के लिए, लोडिंग करते हैं फिर उसके बाद देखते हैं भाई कब तक लोडिंग हो जाएगी, अगर शाम को ही भाई बिल्टी मिल गई तो इंशाल्लाह रात को ही निकलेंगे यहाँ से, अगर नहीं तो फिर सुबह निकलना पड़ेगा। मेरे को भाई गड़बड़ लग रहा है, शाम को नहीं मिलेगी क्योंकि भाई जो कल की गाड़ियाँ है वो लोड करके अभी तक उनको बिल्टी नहीं मिली, इनको बोला शाम को देंगे शायद, अभी देखते हैं भाई पहले गाड़ी अंदर ले जाते हैं उसके बाद देखेंगे भाई। भाई यहाँ से राइट साइड ये जो आगे दिख रहा है ना ये बड़ी फैक्ट्री है, उधर गाड़ी अंदर एंटर करनी है शायद, मेरे ख्याल से भाई अंदर का व्लॉग भी नहीं आ सकता है क्योंकि अंदर शायद मोबाइल अलाउड नहीं है, अभी देखते हैं भाई क्या होगा। अपने बादशाह की लोडिंग हो जाएगी इसी फैक्ट्री में, यहाँ पर ना फ़ोन अलाउड नहीं है इसलिए मैं भाई छुप के उठा रहा हूँ। भाई अपने बादशाह की लोडिंग हो चुकी है कंप्लीट, अभी भाई रसातुरपाला कर रहे हैं तो अपने बादशाह का रसातुरपाला हो रहा है, अपने बादशाह का रसातुरपाला हो रहा है भाई, अभी इसके बाद आफाक भाई की गाड़ी का रसातुरपाला करेंगे, पहले इसको बैलेट डालना पड़ा क्योंकि भाई इसमें ना ये बते नहीं आ गए, इसमें दो के ज़्यादा आ गए इसलिए भाई ये ना बहुत भारी है, पाउडर है इसमें भाई, अभी भाई करते हैं पहले
गाड़ियों का त्रपाल उपाल, उसके बाद भाई दोबारा मिलते हैं आपसे, क्योंकि भाई यहाँ पर ना फ़ोन अलाउड नहीं है, चोरी चोरी उठाना पड़ता है। तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई रात को अपनी बादशाह की लोडिंग हो चुकी थी, तो अभी भाई यहीं है। अभी भाई चाय वाय पी फ्रेश होके ना अभी देखते हैं भाई बिल्टी कब तक देंगे। ये वाली फैक्ट्री है भाई, अपना बादशाह अंदर है। हम गए थे भाई चाय पीने, अभी देखते हैं भाई कब तक बिल्टी देंगे, उसके बाद भाई यहाँ से निकल जाएंगे। और यहाँ पे ना अभी मेडिकल टेस्ट हो रहा है, भाई ने मेडिकल टेस्ट करवाया, भाई मुझे भी बोला, मैंने बोला मैं नहीं करूँगा भाई, मुझे ठीक नहीं लगा। तो अभी अपना बादशाह यहाँ पे है खड़ा, और यहाँ से देखो भाई अपनी भाइयों की गाड़ी, कश्मीरी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी है। अभी भाई किसी को बिल्टी नहीं मिली, कल से हम रुके हुए यहाँ से यहाँ पर, तो अभी देखते हैं भाई अगर बिल्टी मिलेगी तो फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये देखो अपना बादशाह चुका है जी, हम अपने बादशाह में। तो भाई इधर से निकलने का कोई अभी इरादा नहीं है भाई, बिल्टी का कोई पता नहीं है कब शाम को देंगे कब देंगे भाई, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए भाई करते हैं हम अपने इस प्यारे से ओला को यहीं पे एंड। और जो भाई चैनल पर नया आए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट।